टेस्ट आशा जी आइए। सो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टूडियो। ठीक है, कौन कहता है कि सपने सिर्फ माँ बाप पूरे कर सकते हैं, बस आप जैसा हस्बैंड हो तो अधूरे सपने भी पूरे हो सकते। तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। तो आज जो हम ये देख रहे हैं ना पिंक पिंक कलर कलर, ये हम अभी घर पे नहीं है दोस्तों। अभी हम लोग बोकारो का जो सिटी है, मैन सिटी जिसको बोकारो की लाइफलाइन बोलती है, वो सेक्टर 4 में अभी हम लोग हैं। ठीक है, तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा ही गूंज रही होगी क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ रूम है। और यहाँ आने का क्या रीज़न है वो सब आप लोग थंबनेल को देखकर शायद जान गए होंगे कि यहाँ हम लोग क्यों आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आशा एक गाना शूटिंग कर रही है, मतलब गाना रिकॉर्डिंग कर रही है। सो चलिए आप सबको सीधा लेके चलते हैं आशा कहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है और कैसे रिकॉर्डिंग कर रही है और कहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही है। तो सबसे पहले आशा को दिखाते हैं दोस्तों कि वो कैसी है। चलिए नीचे है, तो नीचे जाकर पहले आशा से मिलवाते हैं कि वो किस ड्रेस में है और कैसे है और कितना एक्साइटेड है पहली बार जो गाना गाने जा रही है। हम लोग कहाँ आए हुए हैं आशा, देखिए पूरा रेडी हो गई है ना, पूरा रेडी हो गया। चलिए दिखते हैं आप सबको, ये देखिए आशा पूरा रेडी है एकदम, है ना। मेरे हाथ में ये कॉपी दिख रहा होगा। हाँ, तो पढ़ाई करने के लिए हमारे एग्जाम देने के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, काफी लेट हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा का समय है, शाम का समय है। ठीक है, ये तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टूडियो। ठीक है, तो स्टूडियो का क्या नाम है? ड्रैगन स्टूडियो। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको, यहाँ पे लिखा है जी, कहाँ पे बाहर लिखा हुआ है ना। चलिए अंदर दिखाते हैं, सबसे पहले इनका देखिए स्टूडियो का व्यू। गुड इवनिंग सिस्टर। हाँ, तो चलिए अब भैया से आप सबको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं स्टूडियो। ठीक है, तो आज जो है आशा फाइनली गाना गाने के लिए आ ही गई है। बहुत दिन से आप लोग बोलते थे कि आशा अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। अब देखते हैं दोस्तों आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं और ये कितना अच्छा गाना गाती है ना। आज क्लियर हो ही जाएगा तो चलिए भैया से मिलते हैं, भैया अंदर में। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आशा जी का आज तो बड़ा जबरदस्त रिकॉर्डिंग है, एकदम है ना, कमाल एकदम है। कमाल करिए एकदम, झारखंड का नाम ऊंचा करिए एकदम। सो गाइज, अभी होगा आशा का, आशा जी अभी गाना गाएगी और उसका रिकॉर्डिंग होगा। आप सबको तो रिकॉर्डिंग का मतलब म्यूजिक और आवाज नहीं बता सकते आप, इसलिए आप लोग जरूर इसमें गेस कीजिएगा। आगे का ब्लॉगिंग देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा और हम लोग लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। तो आज बस हम लोग आए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। देखिए तो पहले सो गाइज, पहली बार आशा जो है ना गाना गाने जा रही है। गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हर। भैया पूरा सेटअप कर रहे हैं इनका, देखिए तो हाइट देखिए तो ठीक है ना, इतना गैप। हाँ गैप ठीक रहेगा, वो तो गैप हम वहां से बोल के करवा लेंगे। हाइट ठीक है ना? हाँ। ना हाइट थोड़ा और नीचे करना है और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ट्रैक का साउंड कम ज्यादा करना होगा तो फर्स्ट वाला जो है ना ये, इससे कम ज्यादा कर लीजिएगा अगर लगे रिक्वायरमेंट तो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आशा जी, आइए। धमाल मचाइए। कैसा फील हो रहा है? डर लग रहा है। अरे बता दो कैसे फील हो रहा है? डर लग रहा है। अरे डरो मत, इतना दूर का सफर जब तय कर लियो। बस कौन कहता है कि सपने सिर्फ माँ बाप पूरे कर सकते हैं, बस आप जैसा हस्बैंड हो तो अधूरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। वाह, देखिए है ना शीशा का उस साइड से, ठीक है। देखिए भैया यहाँ से आवाज आ रही है, नहीं दे रहा। हाँ ठीक है ठीक है, रुक जाइए हम अभी कर रहे हैं। माइक से सुनाई नहीं दे रहा, कान में भी आ जाएगा, डोंट वरी। कूल होके गाइए और डमी बहुत अच्छा दिए हैं, इससे भी बढ़िया गाना है। ठीक है, चलिए जय सीताराम।
और श्री रामचंद्र जी जो हमारे समस्त सनातनी भाइयों के आराध्य प्रभु, श्री राम जी का गाना आशा जी गाएगी अभी। हो गया, चले भैया। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं आशा गा रही है गाना, कैसा लग रहा है? थोड़े से एक्साइटेड, थोड़े से डर से भरे हुए, और नहीं नहीं बहुत अच्छा गा रही है। हम लोग जो है ना उस साइड में रह रहे हैं, देखिए उधर रह रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ से हम लोग सुन रहे हैं। ये आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है? नहीं, बस वर्ड्स हमको यहाँ। हाँ तो म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, म्यूजिक के साथ जब आपका गाना मैच कर रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजेदार आ मजा आ गया दोस्तों। इस राम नाम की धुन को कान में स्मरण करने के बाद वाओ क्या फील है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए लगल रही है, ठीक है। अभी तो बाकी है, बहुत दूर जाना है अभी। सो गाइस आशा आ गई है, कैसा लग रहा है? रिकॉर्डिंग रूम से बाहर, और अभी आके थोड़ा सा मतलब रिलैक्स लग रहा है, लेकिन कान में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, गले में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, गले में दर्द नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाद बाकी जो भी होगा सारा चीज़ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे, ठीक है। और ये देखिए भैया का पूरा स्टूडियो आप सबको दिखाते हैं, भैया भी है, हाँ केस इधर रखिए। अच्छा अच्छा, चलिए ये देखिए, ये हमारा पूरा जो है देख रहे हैं ना स्टूडियो, भैया का स्टूडियो यहाँ आए हुए थे, जो कि बोकारो सेक्टर 4 में है, द रैकन स्टूडियो। और अगर आप लोग भी कोई चाहते हैं अपना रिकॉर्डिंग कराना, मतलब म्यूजिक रिकॉर्डिंग कराना, तो प्लीज यहाँ आइएगा, क्योंकि जैसा कि इनका स्टूडियो देखने में सुंदर है वैसे ही इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बाय नेचर बाय कैरेक्टर बहुत अच्छे इंसान है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लिंक बाद में भेजेंगे, इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग कौन सा गाना गाए, है ना। अभी तो इसमें आप लोगों को बताया नहीं कि राम धुन की हम लोग कौन सा गाना रिकॉर्डिंग किए हैं यहाँ आके, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग कौन सा गाना आशा गाई है, ठीक है। और एक प्यारा प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर प्लीज़ नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का घंटी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।